तो वहाँ पर एक अप्रेंटिस फील्ड का नेशनल यूथ फर्स्ट, तो नेशनल के बाद नेशनल में मैं फर्स्ट रहा हूँ। और उसके अलावा एक यूनिफिस्ट होता है, यूनिफिस्ट में 7 देश आते हैं, वो हुआ था जयपुर में। जयपुर में श्रीलंका से बहुत सारे लोग, श्रीलंका जाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होती है, वीजा नहीं मालूम मुझे, पासपोर्ट चाहिए बस। बस सब लग जाएगी। नहीं वहाँ का कितना था ना पैसा जो, यहाँ 20-30 वहाँ का करीब 30-35 हज़ार। चलट Yeah.
जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक उज्जैन महानगर द्वारा आयोजित वंशी वादन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। मंचस्थ अधिकारियों का परिचय करा रहा हूँ। मंच पर विराजमान है श्री अशोक जी सोनी। आप मूलतः उज्जैन के ही निवासी हैं, पूर्व में भाई साहब प्रचारक रहे और विभिन्न संघ के दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप प्रत्येक क्षेत्र के माननीय संघ चालक ऐसा दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। पास में ही बैठे हैं श्री जगदीश प्रसाद। आप मूलतः अजमेर के निवासी हैं। आपने वाणिज्य स्नातक में शिक्षा अर्जित की है। सन 1979 में आप स्वयंसेवक बने। सन 1985 में आप प्रचारक निकले। 2 वर्ष अखिल भारतीय सह घोष प्रमुख रहे। 4 वर्ष अखिल भारतीय घोष प्रमुख रहे। आपका मुख्य वाद्य शंख है। वर्तमान में भाई साहब मार्च 2009 से अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख ऐसा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भाई साहब का मुख्यालय चेन्नई है। घोष अर्थात नाद अर्थात ध्वनि। नाद वाद्यों के वादन से उत्पन्न होता है। वाद्यों के वादन की परंपरा हमारी संस्कृति में अनादि काल से है। समय समय पर वातावरण परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का वादन होता आया है। जैसे भक्ति संगीत भक्ति के समय वादन, इसकी एक विशेष परंपरा हमारे यहाँ पर है। विशेष प्रकार के वाद्यों का विशेष प्रकार का सम्मिलन होने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नाद उत्पन्न होता है, वो वातावरण को भक्तिमय स्वरूप देता है। शांति काल में घोष का प्रयोग सहयोग संस्कार सहोदय जैसे भाव को निर्मित करने के लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है। वैसे ही युद्ध काल में घोष का प्रयोग सैनिकों में अनुशासन उत्साह मनोबल उनको बढ़ाने के लिए घोष का उपयोग सेना में किया जाता रहा है। उसी प्रकार संघ की स्थापना 1925 में होने के बाद 1927 उसके बाद से घोष या विषय वादन की परंपरा संघ में प्रारंभ हुई। समय अंतर में कालांतर के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाओं का धीरे धीरे निर्माण, नए नए वाद्यों का सम्मिलन करते हुए वर्तमान परिस्थिति का घोष हमारे सामने आज दिखता है। घोष के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है।
कि जब संतुलित रूप में नियमित और एक प्रकार के संतुलन के साथ बातों का जब वादन किया जाता है तो जो वातावरण में वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण की पूर्ति बढ़ती है, यह वैज्ञानिक आधार वादन के पीछे कहा जाता है। हमारे सामने वादन चार चरणों में होगा। पहले चरण में शंख पर रचना सोनभद्र जो केरवा काल में है, शंख पर सा ग और प तीन प्रकार के स्वर बजाए जाते हैं। ऐसे तीन स्वरों से शंख का वादन होता है। सर्वप्रथम केरवा काल में निबद्ध सोनभद्र रचना का प्रस्तुति होगी। इसके बाद संगीत में जिसे हम अलंकार कहते हैं, जब नया कोई संगीत सीखने जाता है तो अलंकार सिखाए जाते हैं, उन्हें संघ में स्वरपाठ नाम दिया गया है। तो ऐसे पांच स्वरपाठ का प्रयोग वादन वंशी पर उसके बाद होगा। तत्पश्चात तीसरे क्रमांक पर वंशी पर जन्मभूमि रचना का वादन किया जाएगा जो खेमटा काल में राग भूप में निबद्ध है। लंका विजय के पश्चात प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम से कहा जाता है कि लंका पर ही अपना निवास स्थान क्यों न किया जाए, तो तब भगवान श्री राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ऐसा संघ में एक गीत चलता है जिसे नाम जन्मभूमि दिया गया है। वंशी पर जन्मभूमि रचना का वादन होगा। इसके पश्चात शंख पर रचना खेमटा ताल में निबद्ध उदय रचना का वादन होगा। तत्पश्चात वंशी पर स्वर पाठ क्रमांक 6 और 8 का वादन होगा। प्रस्तुत है आपके सामने चरण 1। We'll be right back.
सर्वप्रथम प्रयोग पार्क, जिसे हम सभी लोग सामान्य भाषा में वाद्यों की जुगलबंदी के नाम से जानते हैं, ऐसे शंख और वंशी की एक जुगलबंदी सर्वप्रथम चरण दो में आपके सामने प्रस्तुत होगी। उसके बाद वंशी पर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वार, इस भजन की प्रस्तुति आपके सामने होगी। तत्पश्चात वंशी पर पाठ क्रमांक 7 और 8, आनंद पर रचना शिवरंजनी, उसके पश्चात वंशी पर रचना मीरा जो राग भोपाली पर आधारित है, जो खेमटा ताल में निबद्ध रचना है। इन 5 क्रम में चरण 2 का वादन होगा। भैया आगे मत जाना यार।
चरण तीन में सर्वप्रथम शंख पर रचना किरण जो केरवा ताल में निबद्ध है उसका वादन होगा। दूसरे क्रमांक पर वंशी पर राग दुर्गा पर आधारित खेमटा ताल में निबद्ध रचना गोवर्धन का वादन होगा। इसके पश्चात शंख पर रचना श्रीराम जो केरवा ताल में निबद्ध है उसका वादन होगा। जिस समय राम जन्मभूमि के ताले खुले थे उसी समय इस श्रीराम रचना का लोकार्पण हुआ था, इसलिए इस रचना का नाम श्रीराम है। चौथे क्रमांक पर वंशी पर प्रगत पाठ, इसके पश्चात वंशी पर एक भजन की प्रस्तुति होगी। क्योंकि हम भगवान महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल के चरणों में इस वादन कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं तो उनकी स्तुति बड़ी स्वाभाविक है, इसलिए वंशी पर ओम नमः शिवाय इसका वादन होगा। We'll be right back.
प्रथम शंख पर रचना पांचजन्य जो केरवा ताल में निकलता है उसका वादन होगा। उसके बाद वंशी पर एक गीत जिसे हम अन्य भाषा अन्य शब्दों में जानते हैं पर जो लिपि सेम है समान है जो गीत है प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी हम है सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी। इस गीत का वादन होगा। चरण चार के वादन के पश्चात व्यक्तिगत गीत के बाद हमें आज के मुख्य वक्ता श्रीमान जगदीश प्रसाद जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आप सभी के लिए एक सुंदर और विशेष प्रस्तुति रचना जयोस्तुते का वादन जो पूर्ण कार्यक्रम समाप्ति के बाद होगा। रचना जयोस्तुते स्वातंत्र वीर सावरकर द्वारा रचित काव्य का एक भाग है जो अजरामर गीत है जिसकी प्रस्तुति कार्यक्रम के पश्चात होगी। सोया राष्ट्र जगेगा देश देश फैला
जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, देश देश फैला तमस फूटेगा, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगो रहेगा, सदियों से था युगो रहेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा, वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा, हम सबकी तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है, हम सबकी तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है, बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा, दिश दिश फैला तमस फूटेगा। सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी मंच की ओर कर लें। हो सके पहले आपके आकर्षण का केंद्र वो दिशा थी, अभी आपके आकर्षण का केंद्र ये दिशा है। मंच पर विराजमान इस मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संचालक माननीय अशोक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ के अन्य अन्य सभी अधिकारी वर्ग, आज के इस कार्यक्रम में सभी आमंत्रित सज्जन वृंद, माता बहने तथा आत्मीय स्वयं सेवक बंधुओं, सर्वप्रथम तो आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आज उसकी पूर्व संध्या पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, कल हम जन्माष्टमी का आनंद लेंगे। और आज एक विशेष दिन और भी, आज हमारे देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, उनका भी जन्मदिन है। 29 अगस्त 1905 में हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी का जन्म हुआ जिसको सारी दुनिया मानती है कि वो हॉकी का जादूगर था। हॉकी का जादूगर कहने के बाद आप सबके मुंह पर अपने आप उसका नाम आ गया होगा, मेजर ध्यानचंद जी, आज उनकी जयंती भी है, तो वो भी हमारे लिए स्मरणीय दिवस है। तो उनको भी प्रणाम करते हुए और भगवान महाकाल की नगरी में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, भगवान महाकाल को और भारत माता मंदिर के सामने हम एकत्रित हुए, भारत माता को प्रणाम करते हुए अपनी बात का निवेदन करता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई,
तो श्री कृष्ण भगवान के कुछ संदेश हमारे लिए हैं, उन संदेश को समझने की आवश्यकता रहती है। आपने यहाँ वादन देखा होगा, यहाँ एक वादन किया था, सभी बांसुरी बजेगी सब सही से, और दूसरा यहाँ ऊपर से नाद हुआ, उसको कहा शंख नाद। ये दोनों ही वाद्य भगवान श्री कृष्ण के वाद्य हैं, दोनों ही वाद्य भगवान कृष्ण ने बजाए हैं, और दोनों ही वाद्य का अपना अपना अलग संदेश है, दोनों वाद्य की अपनी महत्ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोष विषय के साथ में ये दोनों वाद्य अनिवार्य रूप से जुड़े हैं, जब से संघ हुआ तभी से। तो वंशी का संकेत क्या है? वंशी का संकेत है प्रेम भाव, समर्पण भाव। तो अगाध प्रेम का प्रतीक है ये बांसुरी वादन। जब बांसुरी बजती है तो कितने कितने लोगों को मन मोह करके उनको अपनी ओर खींच लेती है। तो अपनी ओर खींच लेना, आकर्षित करना और प्रेम के द्वारा निकट लेकर के आ जाना, यह इस बांसुरी का एक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। दूसरा क्या है? दूसरा इस वंशी का संदेश है संपूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। ये इस बांसुरी का संदेश हम सबके लिए है। एक प्रसंग आता है, हम लोग सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, पुनर्स्मरण कर लेते हैं कि बंसी का पूर्ण समर्पण कैसे है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बालपन में थे तो बहुत गोपिकाओं के साथ में नृत्य करते थे, रास भी रचाते थे। जब तक वो ब्रज में रहे तब तक उनके साथ बांसुरी रही, और जब वो बजाते थे तो दूर कहीं भी हो तो तुरंत सारे के सारे ब्रजवासियों को मोह लेते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे निकट कौन रहता था? वो रहती थी बांसुरी, और वो भी कितना निकट की भगवान के होठों के पास रहती थी, हर समय साथ रहती थी, और भगवान उसको होठ पर लगाकर बड़े प्रेम से बजाते। तो जब प्रेम से बजाते थे तो बाकी जो गोपियां रहती थी उन गोपियों को उस बांसुरी से प्रेम भाव की ईर्ष्या होने लगी, ये बांसुरी पता नहीं क्या है कि ये तो भगवान के इतना निकट रहते कि भगवान उतना प्रेम हमसे नहीं करते, ऐसा लगता है। तो एक बार उन गोपियों का और बांसुरी का आपस में संवाद हुआ। उन गोपियों ने बांसुरी को कहा, हे बांसुरी, तूने क्या मेरे श्री कृष्ण पर जादू करके रखा है कि तू भगवान के बिल्कुल निकट रहती है, हर समय भगवान तेरे को होठ से लगाए रहते हैं। हम इतना कृष्ण कृष्ण करती हैं, हम इतना कृष्ण को याद करती हैं, हम मन से खूब याद करते हैं, उसके बाद भी हम वो स्थान नहीं पा सकी जो तूने पाया है, ऐसी क्या विशेष बात है? तब वो बांसुरी उनको कहती है कि आपने बहुत भगवान को याद तो करती हो लेकिन मेरे इतना समर्पण किया है क्या आपने? तुमने ऐसा कौन सा विलक्षण समर्पण किया? तो बांसुरी कहती है, मैं कहना नहीं चाह रही, अब तुमने पूछा ही है तो मैं बताती हूं। तो सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण को रखती थी, मैं मेरे परिवार से अलग हुई। जो बांस का वन है जहां बांस उगते हैं, तो मेरे उस पूरे वंश से मुझे अलग किया गया, तब भी मैं श्री कृष्ण शरणम मम यही रखती रही। मेरे वंश से मेरे परिवार से अलग करने के बाद मुझे काटा गया, तब भी मैं कृष्ण 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 ही रखती रही, मैंने वो कृष्ण नाम छोड़ा नहीं। केवल काटा ही नहीं गया तो काटने के बाद में मुझे सीधा करने के लिए आग में भी डाला गया, तो आग में डालकर मेरे को सीधा करके पकाया गया, तब भी मैं कृष्ण 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 ही बोलती रही। इतना ही नहीं छोड़ा तो फिर मेरे अंग अंग को छिदवाया गया, मेरे शरीर में जगह जगह छेद कर दिए गए, तब भी मैं कृष्ण 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 बोलती रही, मैंने कभी इसके लिए विरोध नहीं किया, ठीक है, मुझे तो मेरे कृष्ण से मतलब है। और उसके बाद जब मैं भगवान के हाथ में जाती हूं तब भी मैं मेरे मन का नहीं बजाती, मैं उसमें से अपने
मन की राग नहीं बजाती, मैं उसमें से वो बजाती हूँ जो भगवान चाहते हैं। भगवान अपनी अंगुलियां कैसे चलाते हैं, भगवान दिल में फूंक देते हैं उतना मैं बजती हूँ, जैसी अंगुली चलाते हैं वैसा ही मैं राग देती हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने तो अपना सर्वस्व समर्पण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया है। क्या तुम्हारा इतना समर्पण है? सभी गोपिकाएं चुप। कोई उत्तर नहीं उनके पास। बांसुरी के समर्पण के पीछे इतनी सी एक छोटी सी कथा है हमारे समझने की बात है कि बांसुरी को कितना भी कष्ट हुआ उसके बाद में भी उसकी जो श्री कृष्ण के प्रति एकांतिक निष्ठा थी वो निष्ठा कभी बांसुरी ने छोड़ी नहीं। समर्पण 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 पूर्ण समर्पण, और उसके बाद भी उसमें से इतना होने पर भी बांसुरी में अहंकार नहीं आया कि अब मैं अपनी इच्छा से बजूंगी, नहीं, अब मेरे तार मैंने भगवान को सौंप दिए तो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा बजाएंगे, जो चाहेंगे वैसा बजेगा और जब चाहेंगे तभी बजूंगी। यह है बांसुरी का समर्पण। तो ये समर्पण का भाव ये आज के दिन हमें समर्पण करने की प्रेरणा देता है। हम जिस भी इष्ट देवता में अपनी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति भाव हमारा चाहिए, ऐसा भक्तिपूर्ण समर्पण चाहिए। चाहे हम महाकाल के प्रति करें, चाहे कृष्ण के प्रति करें, चाहे भारत माता के प्रति करें, चाहे देश माता के प्रति करें, लेकिन हमारी भक्ति ऐसी चाहिए। ये है भगवान कृष्ण की उस बांसुरी का संदेश, और वो संदेश के कारण से हम इस बांसुरी को बजाते हैं। दूसरा कारण क्या है? बांसुरी जब हम बजाते हैं तो संघ में हम अकेले नहीं बजाते, एक आपने देखा होगा इतने सारे लोग मिलकर एक साथ बजाते हैं, तो सबने मिलकर एक जैसा एक सरंग बजाया, अपनी ढपली अपना राग ऐसा नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यही विशेषता है, वाद्य उनका अपना अपना है, मेहनत अपनी अपनी है, सबने मेहनत की है, लेकिन सबने मिलकर वो बजाया जो सबने मिलकर तय किया। अपनी नहीं, मैं अलग से बजाऊंगा अपना बजाऊंगा ऐसा नहीं है। और इस भाव के कारण से ये बांसुरी संघ में आने वाले को संगठन का भाव सिखाती है। बहुत लोग सोचते हैं अभी संघ के बारे में, संघ के बाहर के लोग, संघ के विरोध करने वाले लोग सब सोचते हैं संघ का जादू क्या है, 97 ईयर ओल्ड उसके बाद भी संघ बढ़ रहा है, कितने लोग इसको विरोध करते हैं, कितने प्रतिबंध लगा दिए, तीन तीन प्रतिबंध लगा दिए, उसके बाद भी बढ़ रहा है, क्या विशेष बात है? उसके विशेष बात है संगठन का शास्त्र, जो शास्त्र के अनुसार हम चलते हैं उसमें से एक विषय बांसुरी भी है। तो बांसुरी संगठन का कार्य करने में सहायक है, प्रेम भाव से निकट लाने में सहायक है, समर्पण की प्रेरणा देने वाली है बांसुरी। आज का ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश है, इस संदेश में से एक बहुत बड़ा भाव हमको ये लेना है और इस भाव की रक्षा करनी है। हमारे मनों में किसी भी कारण से प्रेम भाव की कमी आ गई, आज बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, तो सब प्रेम भाव में आना चाहिए। एक दूसरा विषय उन्होंने बजाया शंख। तो भगवान कृष्ण ने जब ब्रज छोड़ दिया उसके बाद में शंख नाद किया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, और आज आपके सामने यहां एक पांचजन्य रचना भी प्रस्तुत की गई। शंख का क्या संदेश है? शंख जब बजता है, जब भगवान कृष्ण उठाकर पांचजन्य बजाते तो ना शंख नाद होने के बाद शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो गए, यानी शत्रु सेना में जो विरोधी लोग हैं उनके हृदय में कंपन पैदा हो गया, और बाप रे शंखनाद वो है, यानी जो आतताई है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों में भय पैदा होना चाहिए। वह भी भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, प्रेम भाव तो ठीक है, लेकिन जो प्रेम भाव से मानने वाले नहीं है तो उनके लिए शंख भी हमारे पास में। दोनों संदेश है भगवान के, चटे चाटे समा करे। तो जो जिस
भाषा में मानता है उसको उस भाषा में समझाना, ये भगवान कृष्ण का संदेश है। फिर कृष्ण जन्माष्टमी का तीसरा संदेश क्या है? हम कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म बहुत पीड़ाओं के बाद हुआ था। माता देवकी ने कितने कष्ट भोगे, अभी भी ताजा ताजा कोरोना की महामारी के समय रामायण और महाभारत सीरियल फिर से आए टीवी पर, तो ये नई पीढ़ी ने भी पूरा महाभारत सीरियल देखा तो पूरा जानकारी हो गया क्या हुआ कैसा हुआ। तो माता देवकी ने कितने कष्ट भोगे, और केवल माता देवकी ने तो कितनी प्रजा, पूरी प्रजा ने कितने कष्ट भोगे, उतने कष्ट भोगने के बाद भगवान ने जन्म लिया। भगवान ने कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहूंगा। तो भगवान का प्राकट्य जब धर्म की हानि होती है तब होता है। और किसी ने एक श्लोक के द्वारा यह समझाया है, आज के जमाने को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा है, त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्ति से संजय शक्ति कलो युगे। यानी त्रेता युग में मंत्र की शक्ति का प्रभाव था, मंत्र से जो चाहते थे वो होता था। त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति करते हुए सतयुग में ज्ञान की शक्ति का प्रभाव था, शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ से निर्णय होते थे। और द्वापर युद्ध शक्ति से, जब द्वापर युग आ गया, द्वापर युग के अंदर सीधा युद्ध होता तार पार, तो युद्ध के होने के बाद निर्णय होता था। लेकिन आज चल रहा है कलयुग, तो कलयुग में कहा है संघय शक्ति कलो युगे, यानी संगठन में शक्ति है, संगठन की शक्ति की मानता है इस कलयुग में। सरल भाषा में, गांव की भाषा में बोले तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ताकत के बूते पर राजा, जहां संगठन है जहां ताकत है उसकी बात सबको माननी पड़ती है। तो कलयुग में संगठन की ही मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से इसी संगठन को करने के लिए साधना कर रहा है। अभी संघ के 100 साल पूरे होने में 3 वर्ष बाकी हैं, 3 वर्ष के बाद संघ 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तो वो संगठन की जो साधना संघ की चल रही है, अनर्थक अविरत साधना चल रही है। उस अनर्थक अविरत साधना संगठन करने के लिए जो चल रही है, उस संगठन के लिए जो जो हमको आवश्यक उपकरण चाहिए वो सब संघ ने लिया है। जो जो संघ में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए वो सब संघ ने किया। हमें देखा होगा पहले संघ में निकल चल रही थी, बेटा समय अनुकूल परिवर्तन। तो ये जो सब आपको सामने दिख रहा है, ये जो बजाया इन्होंने, इसको संघ में कहते हैं घोष, अंग्रेजी में कहते हैं बैंड, कुछ लोग उसको आर्केस्ट्रा बोलते हैं। लेकिन संघ का जो ये बैंड है, ये बैंड संगठन को मजबूत करने के काम आता है, स्वयं सेवकों में अनुशासन लाने के काम आता है। तो अनुशासन आना चाहिए, एक स्वर में चलने की आदत आनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, हमारे वेदों में लिखा है, संगच्छद्वं संवदद्वं संभो मनांसि जानताम, यानी कदम से कदम मिलाकर चलने से और स्वर से स्वर मिलाकर गाने से या बजाने से मन मिलता है। और जब तक मन नहीं मिलता तब तक संगठन संभव नहीं, तो पहले मन मिलाना जरूरी है। तो मन मिलाने के लिए घोष नाम का ये उपकरण ये काम आता है। दूसरा, संघ में जो बजाते हैं वो हम बजाते हैं रण संगीत, अंग्रेजी में उसको यानी आउटडोर म्यूजिक, हमारा हम बाहर मार्शल म्यूजिक, इंडोर म्यूजिक भी मनाते हैं। बांसुरी को आपने देखा होगा, सामान्य तौर पर बांसुरी क्या है, बांसुरी इंडोर म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको भी आउटडोर म्यूजिक के उपयोग में लिया है, ये संघ की विशेषता है। तो आउटडोर यानी खुले मैदान पर बजाते हैं, जितने सारे लोग मिलकर एक साथ बजाते हैं, तो वो भी रणवाद्य के रूप में हमने काम नहीं लिया। तो ऐसा संघ का घोष, वो घोष इसमें सहायता प्रदान करता है। उस घोष की एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने स्वयं सेवकों ने आपके सामने की है, और आप देख रहे हैं जितने स्वयं सेवक, आज मैंने दोपहर में इन सबके साथ मेरा एक संवाद सत्र था,
तो पहली कक्षा से लेकर के कॉलेज विद्यार्थी तक सभी प्रकार के विद्यार्थी इसमें, और ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई पूरी कर लिए, अब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम धंधा कर रहे हैं, वो भी है, ऐसे 15-20 लोग उसमें वो भी है। लेकिन कक्षा एक से लेकर वहां तक सभी श्रेणी के वादक इसमें हैं। एक बड़ा अच्छा अवसर है, एक निमित्त माना है इसको कृष्ण जन्माष्टमी के, इस कार्यक्रम के निमित्त तो सबने मिलकर प्रयास किया। आप जितने यहाँ पर आए हैं मैं समझता हूँ आपके बच्चे इसमें होंगे, आप अभिभावक होंगे उनमें से, ऐसे बहुत होंगे, भाग्यशाली यहाँ। दूसरा, आजकल एक महामारी चल रही है, उस महामारी का नाम कौन सा है? कोरोना। ये कोरोना नाम की महामारी जिसने सारे विश्व को घेर लिया, लेकिन भारत ने बड़े आसानी से इसके पहले दो चरण पार कर लिए, तीसरा भी करेंगे। ये दोनों वाद्य जो इन्होंने बजाए हैं, ये दोनों वाद्य कोरोना नाम की महामारी से लड़ने के लिए सहायक है। ये चिकित्सकों ने भी इसको साबित किया है, वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि दोनों जो वाद्य हैं शंख और वेणु दोनों ग्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो पिछला जो शोध हुआ उसके अंदर चिकित्सकों के शोध ने कहा कि जितने लोग भारत में ग्लोइंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मुंह से फूकने वाले वाद्य बजाते हैं, तो कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से उनको कोरोना की महामारी ने प्रभावित नहीं किया है। उनको कोई दूसरा रोग है तो ही प्रभावित हुआ, सामान्य तौर पर नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों के एक समाचार पत्र का मैं एक पन्ना देख रहा था, पूरा एक पन्ना, पूरे पन्ने में वेणु बजाने वाले बड़े बड़े कलाकारों को उसने साक्षात्कार छपा था। उनसे साक्षात्कार लिया जाकर के तो उन्होंने कहा कि हम तो लगातार वेणु रोज 1-1.5 घंटे बजाते, हमको कुछ बीमारी नहीं, खूब बजाते हम, हमको कोरोना ने नहीं स्पर्श किया, ऐसे उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया। तो शंख बजाना, वेणु बजाना, ये एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, प्राणायाम का एक प्रकार है। आप सबसे मेरा आह्वान है, आप ही शुरू कीजिए, अपने अपने परिवार में शुरू कीजिए, और ये शंख आपके पास नहीं है तो मंदिर वाला शंख वो रोज बजाइए, आप बजाइए, बच्चों को दीजिए, बड़े बुजुर्ग सबको भी, सब कोशिश करके बजाइए, रोज 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट आप बजाइए, आरती के समय बजाइए, सुबह उठ के समय बजाइए, आपके बजाने से उसका लाभ भी है। और दूसरा क्या है कि शंखनाद जब होता है तो इस वातावरण की तरंगों में बहुत सारे वायरस रहते हैं, वायरस समाप्त हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और महाकाल की नगरी में हम बैठे हैं तो भगवान महाकाल उनका भी शंख है, ये हमको याद रखना चाहिए, उस शंख का भी एक महत्व है। इसलिए अपने सबके घरों में शंख बसाइए, आप ही बजाइए, अपनी पीढ़ी के नए 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 जो भी आते हैं उनको बजाने के लिए, छोटे बच्चे ही बजा सकते हैं, बड़े ही बजा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं उसमें, बजाने से अपने स्वास्थ्य को लाभ ही होने वाला है, ये एक बात हम और भी ध्यान में रखें। आज के कार्यक्रम में बहुत आए हैं, आप ऐसे कई सारे स्वयंसेवक परिवार होंगे, कई सारे अन्य भी होंगे, कभी कभी संघ के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी प्रचलित रहती है, कुछ भी लोग कहते हैं अखबार में, जो चलता है विश्वास कर लेते हैं, चैनल वाले कुछ भी बता देते हैं। अभी आजकल के असुर यही है सारे, संघ को बढ़ने से रोकने के लिए उनके अपने अपने हथकंडे जो जो चलाना चाहते हैं चला रहे हैं, वो चलाते हैं। उस समय श्री कृष्ण के जन्म से पहले की जो जो जितनी प्रकार के कष्ट थे, आज भी देश में ऐसे असुर कम नहीं है, हर युग में ऐसे असुर हुए हैं, हर युग में ऐसी आतताई प्रवृत्तियां रही है, और हर युग में उनका हरण भी हुआ है, हर युग में ऐसी शक्ति प्रकट हुई है। आज संगठन की शक्ति है जो उनका हरण करने वाली है, निश्चित रूप से उनका हरण होने वाला ही है, हमें तो पक्का विश्वास है, हम तो संघ का काम करते हैं, हमको तो पक्का विश्वास है, और हम कहते हैं हम भगवान का काम करते हैं, हमने कहा संघ का कार्य ईश्वर का काम है, और ईश्वर का काम है तो हमारी जीत होनी ही होनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं अभी ये निश्चित है। संघ का कार्य धर्म का कार्य, संघ का कार्य भगवान का कार्य, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है, और इस कार्य के कारण से विजय होगी ही निश्चित है, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। तो जो जो बातों को लेकर संघ चला है उन सब कार्य में हमारी विजय होगी, हमारे मन की कल्पना है, हमारा देश अखंड होना चाहिए, विश्वास है होगा, पहले लोग नहीं सोचते थे, आज सबको विश्वास होने लगा, हाँ हो सकता है जी,
एक कुछ साल के पहले लोग कहते थे रामदेव भूमि, अरे हो नहीं सकता, मंदिर बन नहीं सकता, मंदिर बन रहा है। लोग कहते थे धारा 370 हट नहीं सकती, किसी का बाप भी हट नहीं सकता, हट रही है धारा 370 हट गई। कश्मीर जाकर देखिए आज कश्मीर में क्या आनंद ले रहे लोग। तो जिस जिसके बारे में सोचते थे वो, लेकिन हमको तो पहले से विश्वास था, आज भी है आगे भी है, कि जो हमने सोचा है वो जरूर होगा, क्योंकि हमने माना है कि भगवान का काम हम कर रहे हैं, इसलिए भगवान के काम में जीत होगी। ठीक है, भगवन्नाथ का रथ है, जगन्नाथ का रथ, वो तो चलेगा, आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ने वाला है। मेरा भाग्य है कि उसको हाथ लगाने का, हाथ लगाऊंगा तो मेरी पुण्य कमाने का, ये पुण्य कमाने का मेरा भाग्य है तो मैं भी हाथ लगाऊंगा। इसलिए संघ के बारे में केवल घर में बैठकर सोशल मीडिया से समर्थन आप करते हैं, अच्छी बात है, उतना ही पर्याप्त नहीं है। तो जरा आप भी घर से निकलकर बाहर आएंगे, कोई ना कोई काम, अच्छा काम अपने हाथ में लीजिए। जरूरी नहीं है कि शाखा में आकर लेना है, आज समाज में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम है, तो ऐसा कोई भी एक काम अच्छा आप अपने हाथ में लें और उसमें स्वयं सक्रिय होकर भूमिका निभाएं। माता बहने माता बहनों से संबंधित अपना कोई काम अपने हाथ में ले सकती हैं। तो जैसा आपको जचे, जैसा आपको रुचे, जैसे आपके पास समय की उपलब्धता हो, लेकिन सबका हाथ इसमें लगे। यह एक संदेश आज के दिन अपने मन में लेकर हम चले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से कृष्ण भगवान का यही संदेश हमारे लिए है कि हर युग में मैं आऊंगा। हमारा विश्वास है कि ये कलयुग है, कलयुग में संगठन की शक्ति की ही महानता है, इसलिए सशक्त हिंदू संगठन, संस्कारित हिंदू संगठन, देशभक्त हिंदू संगठन ही आज होने वाली सारी बीमारियों का इलाज है। चाहे वो जातिगत भाव बढ़ रहा है, चाहे कोई दुश्मन सामने से आ रहा है, चाहे कोई आतंकवाद बढ़ रहा है, चाहे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, सब बीमारियों का एकमेव इलाज है सशक्त संस्कारी देशभक्त हिंदू संगठन। इस देश में रहेगा तो इस देश में वो होगा जो इस देश के लिए हित में है। और जहां जहां हिंदू सशक्त नहीं हुआ, कमजोर हो गया, आबादी में भी कमजोर हो गया और वैसे संगठन में कमजोर हो गया, तो वहां वह मार खाएगा और वो हिस्सा हमारे से अलग होने की तैयारी में रहेगा। अपने पूर्वजों ने बताया, हमने भी देखा है, हिंदू घटा और देश बटा। जहां जहां हिंदू जनसंख्या कम होती गई, वहां वहां आतंकवादी से उठाते गए, वो हिस्सा देश से कटने के लिए कट गए। बहुत सारे ऐसे अभी कटने के कगार पर बैठे हैं, लेकिन अब हमारे रहते वो नहीं होने देंगे। और सौभाग्यशाली है कि हम, हमारी ये पीढ़ी परिवर्तन देख रही है। आने वाले और 10-15 साल में बहुत सारे परिवर्तन इस देश में होंगे, उस सबके साक्षी हम बनेंगे। आंखों से तो साक्षी बनेंगे, स्पर्श से भी साक्षी बनिए। आप भी अपने मन में कहा, हाँ जी मेरा भी योगदान इसमें है, सबका योगदान इसमें रहे, इसलिए सब मिलकर करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दो बातें तो पहले से कही थी, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, एक बार एक बात और जोड़ दी, वो भी हमको सबको सोचती, उनका सबका प्रयास, मैं अलग बैठा हूँ नहीं, सबका हाथ लेना चाहिए। इस देश को जिसने अपनी भारत माता को अपनी माता माना है, जो अपने आप को इसका पुत्र मानता है, उसने इसके बारे में जो जो प्रयास करना है वो करना चाहिए। इस संदेश को लेकर ऐसा मन में एक संकल्प करते हुए हम सब लोग चलें। तो आज का ये कार्यक्रम एक निमित्त मानकर हुआ है, स्वयं सेवकों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, पिछले 3-4 महीने से बहुत प्रयास शाखा में स्वयं सेवक कर रहे थे। कोरोना की महामारी होने के बाद में भी अपने अपने घर में, इनमें से बहुत सारे स्वयं सेवक ऑनलाइन अभ्यास किया उन्होंने, अभी ऑनलाइन की पद्धति आ गई, ऑनलाइन अभ्यास चला, घर में अभ्यास किया, कई 3-3, 4-4 लोग मिले, ऐसे बड़ी संख्या में, शायद आज पहली बार ही मिले इतनी बड़ी संख्या में। तो अगर कोरोना की महामारी नहीं होती तो बहुत सारे होते, बहुत सारे स्वयं सेवक और भी हैं जो आए नहीं, घर से उनको कोरोना के कारण अनुमति नहीं मिली, वो भी कारण है। तो आप सब अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस जगन्नाथ के रथ में हाथ लगाइए और पुण्य कमाइए, ऐसे आप सबसे निवेदन करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम प्रणाम, 1, 2, 3।
संघ वी किर होजल मामा कृत होजल सिद्ध अवना रचना की प्रस्तुति के साथ साथ या उसके बाद भी हम पीछे जल मंदिर के स्थान पर जन्माष्टमी का प्रसाद ग्रहण करके वादन सुन के प्रस्थान करें, ऐसा सभी से निवेदन है। वादन सुनने के लिए बैठ सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार।